भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय श्री सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा पूर्व में मुख्यमंत्री रही सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी चुनाव के दृष्टि से और भारत सरकार में मंत्री भाई प्रहलाद जोशी जी, आपके अपने और भारत सरकार में एक विधि मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय अरुण सिंह जी, हमारे बहन राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे विधानसभा में उपनेता पूर्व में अध्यक्ष रहे मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय सतीश पुनिया जी, राज्यसभा में मेरे साथी घनश्याम तिवारी जी, राज्यसभा में मेरे साथी हमारे किरोड़ी लाल मीना जी, हमारे राघव शर्मा जी, हमारे सांसद जिनको मैं जयपुर नरेश कहता हूं रामचरण वोरा जी, श्री रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, और सौम्या जी जो मेयर हैं, सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहेगण और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आए हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आपनो राजस्थान, सुझाव आपके और संकल्प हमारा, इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैंने आने से पहले इस बात को अपने साथियों से चर्चा की कि जब मैं जयपुर आऊं और ऐसे शुभ कार्य का प्रारंभ करूं तो सबसे पहले तो मोती डूंगरी, हमारे गणेश मंदिर, गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। और इसीलिए सबसे पहले मोती डूंगरी जाकर गणपति जी के आशीर्वाद लेकर और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेकर प्रार्थना करके आज इस कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं। पुनः मैं गणपति भगवान का नमन करता हूं, गोविंद महाराज को नमन करता हूं, और यह राजस्थान जो समर्पण की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो संघर्ष की भूमि है, जो तप की भूमि है, ऐसी भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज अर्जुन राम मेघवाल जी ने आपके सामने विस्तृत रूप से ये सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इसकी बारीकियों के बारे में आपसे चर्चा की। अभी अभी आपने पार्टी की एक छोटी सी फिल्म भी देखी जिसमें सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। 15 दिन की ये यात्रा, 200 विधानसभाओं के क्षेत्र में जाना, हर गांव, हर ढाणी को में लोगों से संपर्क करना, लाखों कार्यकर्ताओं का जुटना और करोड़ों सुझावों को लेकर के किस तरीके से राजस्थान के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि 50 LED वैन्स लगभग 200 विधानसभाओं में जाएंगी,
ऑफलाइन और ऑनलाइन, डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से सुझावों को इकट्ठा करेंगी, मिस कॉल के माध्यम से भी करेंगी, वेबसाइट के माध्यम से भी करेंगी। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए, जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम सफल होगा और आपनों राजस्थान आगे चल करके आपके सुझाव से एक मजबूत और एक विकसित राजस्थान को हम आगे ले चलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि संकल्प पत्र का अर्थ क्या है, और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वो राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता है, वो राजनीतिक दस्तावेज की तरीके से पार्टी के कार्यालय में पड़ा हुआ एक दस्तावेज के रूप में ही नहीं होता है, वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है जिसको हम पूरा करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो जाओ, यही संस्कृति थी। मुझे याद है मैं लंबे समय तक एमएलए रहा, और उससे पहले का मुझे याद है हमारे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे और जनता को बताते थे कि यहां से निकलेगी सड़क, यहां से निकलेगी सड़क, और जनता भी बेचारी भोली भाली गुमराह हो जाती थी और वो इस आशा में रहती थी कि सड़क बनेगी। चुनाव समाप्त होता था, जनता को चूना लग जाता था और लोग त्रस्त हो जाते थे। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं वो जमीन पर घटी हुई बातें कर रहा हूं। मैंने वो भी समय देखा है जब चुनाव से पहले हमारे एमएलए साहब आया करते थे, बोले पानी नहीं पहुंचा, अच्छा मैं कल ही पाइप भिजवाता हूं, और दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रक के ट्रक पाइप के ढेर आकर के गांव के सामने रख दिए जाते थे। चुनाव समाप्त होता था, अगले सप्ताह किसी दिन रात को आकर के पाइपों को ट्रक उठाकर ले जाता था। ये थी संस्कृति। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, इस तरीके की हमारी राजनीति। और इसीलिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ विषय है। मैं यहां कहना चाहता हूं, जब हम ये बात कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया और अपने वायदों को भूले नहीं, जनता भूल गई तो उसको भी भूलने नहीं दिया। अगर हमने 52-53 में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए, और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया, ये हमने करके दिखाया।
इसलिए यह संस्कृति जो कहा वो किया, ये संस्कृति का दावेदार कोई और नहीं है, ये है तो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप याद कीजिए अटल जी ने बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त हो और सबको शिक्षा मिले ये 2001 में करके दिया था। आप याद कीजिए हम जनसंघ के दिनों में बोलते थे कि भारत को आणविक शक्ति बनना चाहिए, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, एटम बॉम्ब बनाएंगे, ये देखो इनको, ये जनसंघ वाले एटम बॉम्ब आणविक शक्ति हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। 1978 की दोपहरिया को मई महीने में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि भारत आणविक शक्ति बन चुका है, यह हमारा वायदा। हमने कहा हम मंदिर वही बनाएंगे और बोले जय जय श्री राम। तो हमको कहते थे कि हम लोग कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और हमारे विरोधी हमसे पूछते थे तिथि कब बताएंगे, और अब हम बोलते हैं कि जनवरी में उद्घाटन में आप जरूर आएंगे। मित्रों हमने वो भी दिन देखा जब स्वर्गीय राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी में से पहले यह कहा जाता था कि यह मिस्टर क्लीन नई दिशा देगा, नई उमंग के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, महिला शक्ति को ताकत दी जाएगी। हमने उनके नेतृत्व में शाहबानो केस भी देखा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत की मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 3 तलाक से निजात दिला दी, इस कार्य को भी करके दिखाया। और आपको जानकर बहनों को आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, यह हमारे ही देश में 3 तलाक चल रहा था जिसको समाप्त किया और मुस्लिम बहनों को, माताओं को, बहनों को आजादी दिलाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई, ये हमको ध्यान। इसलिए हमारे लिए ये मैनिफेस्टो, ये आपनों राजस्थान का ये संकल्प पत्र, आपके सुझाव जिसको हम समेट करके आगे चलेंगे, ये आप सब लोग राजनीति के सीरियस कार्यकर्ता हैं, आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आने वाला 5 साल का दस्तावेज हमारे कार्य को रूप देने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि उनका मकसद है लूट,
उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ाओ और जो तुष्टीकरण कर सकता है उसको सब तुष्टि वो तुष्टीकरण को आगे बढ़ाओ, ये उनका उद्देश्य रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान करने का है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाना, ये सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, इसका फर्क ये पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब ये बोलता है, IMF बोलता है कि भारत की गरीबी 12% घट गई है और अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है, ये बदलता भारत है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं को उसकी ताकत देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, इज्जत घर देना। आपको मालूम है कितनी संख्या है इज्जत घर की? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सुबेरे और शाम, सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी, कैसी जिंदगी जीती थी। क्यों नहीं देश के नेताओं को यह ध्यान में आया और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा जिनके आने के बाद 12 करोड़ इज्जत घर देकर 12 करोड़ महिलाओं और परिवारों को इज्जत देने का काम किया। यह है बदलता भारत। मैं गांव से आता हूं इसलिए आपसे बोलता हूं। गांव में माताएं 5 बजे उठकर के लकड़ी काट के लाती थी, गीली लकड़ियां जलाती थी, फूक फूक करके और धुआं लेती थी, फेफड़े खराब करती थी। आज गैस का चूल्हा, सिलेंडर उनको उपलब्ध है। यह बदलता सशक्तिकरण वाला भारत है। आयुष्मान भारत, कितने लोगों को? 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत। भारत की आबादी का 40% हिस्सा गरीब लोग 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। यहां भी क्या आपके यहां नेशनल हाईवेज नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवेज नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट्स नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है, अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास को आपको दिखा करके देंगे। ये हमको करना है। हमने हर दृष्टि से, विकास के दृष्टि से, हर एक दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030, और मैंने कहा इनकी गिनती भूल गई क्या? 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो। 30 है, गहलोत साहब घुलटनिया खा जाओगे। ये ऐसे होता है ना, उसको घुलटनिया बोलते हैं। यहां गुलाटी बोलते हैं। गुलाटी खा जाओगे। मैं देख रहा था। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 5 साल तो आप लगे रहे सचिन कहां जाता है, क्या करता है, कौन है उसके साथ, आपस में खींचा तानी। 5 साल गुजार दिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 5 साल गुजार दिए खींचा तानी में, और अपने तरफ MLA खींचने के लिए इनको दी हर तरीके की छूट, और उन्होंने मचाई हर किस्म की लूट। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अब इनको घर बैठाओ और भारतीय जनता पार्टी को काम दो ताकि वो काम करके आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार,
नए नए रिकॉर्ड बनाए। अब मुझे बताया गया कि किसी पायलट किसी सरकारी दफ्तर से सोने के ईंटें मिली। देखो लक्ष्मी जी भी कहां विराजमान हुई। अगर नियत इतनी माड़ी हो तो कार्यालय में भी सचिवालय में नोट भी। तो ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि ऊपर से नीचे तक आखंड भ्रष्टाचार में डूबे। अब हमने लाल किताब तो सुनी थी, आज लाल डायरी भी सुन ली। ये लाल डायरी और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्री परिषद से छुट्टी, उसकी छुट्टी। लेकिन भरतपुर के एमएलए का पति जो रेप और मर्डर केस में फंसा है उसकी छुट्टी नहीं। ये बताता है कि भ्रष्टाचार से समझौता और तुष्टीकरण से नाता, यह है गहलोत साहब का। यह है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यह है घड़ियाली आंसू बहाने का तरीका। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया है वो हम सबके सामने है। घोषणा पत्र में जो जो बातें कही अभी वसुंधरा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, 1, 2, 3 दस्तक गिनती की। अब वो तो आएंगे नहीं अब पूछने को। अभी उपोध को छोड़ो, उनकी बहन वैसे तो कहीं भी कोई महिला उत्पीड़न हो जाए तो दौड़ के सुबह पहुंच जाती है, लेकिन राजस्थान आना हो तो रणथंभौर जाते हैं, तब नहीं याद आता। यहां महिला उत्पीड़न याद नहीं आता। ये राजनीति के दोहरे मापदंड, ये राजनीति के दोहरे चेहरे। राजस्थान की जनता भोली जरूर है लेकिन समझदार है। राजस्थान की जनता भोली जरूर है लेकिन अपना हक जानती है, अपना हित जानती है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं आपके सामने ये कौन कौन सी बातों को रखूं? अगर मैं उत्पीड़न की बात करूं, आज पिछले 6 महीने में 3,406 रेप केसेस हुए, 3,400। अगर मैं बात करूं प्रतापगढ़ में उस आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके और उसके साथ जिस तरीके का सलूक हुआ वो हम सबको मालूम है। अलवर में 16 साल की बच्ची नाबालिग, उसके साथ गैंगरेप हुआ। भीलवाड़ा में बच्ची को के साथ रेप हुआ, बाद में उसको भट्टी में जला दिया गया। क्या है ये? आप बताओ, ये राजस्थान की संस्कृति है क्या? राजस्थान को बदनाम कौन कर रहा है? अशोक गहलोत की करतूतें कर रही हैं। बताइए, ऐसे लोगों को रहने देना है कुर्सी पर क्या? रहने देना है क्या? मित्रों, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रेप में राजस्थान नंबर 1 रैंक कर रहा है। 54 मंथ्स में, 54 महीनों में 10 लाख केसेस हुए, 10 लाख केसेस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में राजस्थान सबसे ज्यादा संख्या यहां पर हो रही है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां महिलाओं के साथ तो जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, यहां शहीद पुलवामा की विधवा बहनों के साथ भी जिस तरीके का सलूक हुआ वो भी हमने देखा। अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो रामनवमी के पर्व पर लाउडस्पीकर को रोक दो, नहीं बजने दो, राम द्वारे को तोड़ दो और दूसरों के साथ तुष्टीकरण करो। कन्हैया जैसी घटनाएं हो जाती हैं, ये हिम्मत होती है। बोलिए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या जिसमें इस तरीके की घटना हो? मित्रों, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये आपनो राजस्थान, इसको आपनो ने ठीक करना है, हम लोगों ने ठीक करना है, इसको रास्ते पर लाना है।
हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एनडीए के सिपाही हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम राजस्थान को बदलेंगे। अभी मैं वसुंधरा जी से पूछ रहा था, आपके जमाने में इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी कमिटमेंट हुई थी? बोला 130,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा लगा कितना था? बोले 3 साल में 73,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा गहलोत के जमाने में? बोला इंडस्ट्रियलिस्ट आया ही नहीं, भाग गया, और आया भी तो मीठी मीठी बातें करके चला गया। अब बताइए आप ऐसे तरीके से राजस्थान चलने देंगे क्या? चलने देना है क्या? इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूं, यह कोई दस्तावेज नहीं रहने वाला है। आपका सुझाव, हमारा संकल्प, यह हमारी अगली 5 साल की यात्रा का संकल्प बनने वाला है और उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसलिए मैं आपको एक निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सब लोग कमर कस ले, हम एक सीरियस राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमसे लोगों की आशाएं हैं, लाखों करोड़ों लोगों को दृष्टि दिशा को हमको साकार करना यह हमारा कर्तव्य है, और इसलिए हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और अपनों राजस्थान को सुंदर बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।